हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जनवरी मंथ स्टार्ट हो गया 2020, अब आपका एग्जाम ईयर है और 2020 जनवरी मंथ प्रिपरेशन प्लान, फास्टेक कोर्स, ओल्ड स्टूडेंट, ये सारा मैं सेशन बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूँ। इस सेशन को बहुत ध्यान से एंड तक सुनिएगा, समझिएगा कब कब कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और जो जो आपने क्वेश्चन और डाउट भेजे हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पर ये बता दूं, आज मैं ये जो सेशन ले रहा हूं वो उन बच्चों के लिए है जो 2019 और 20 में एग्जाम देने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इम्पीटस गुरुकुल के ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं, 21 या 22 में एग्जाम देने वाले हैं, उनका सेशन मैं कल आपको दूंगा। आप लोगों को अगर आप 21-22 में अपेयर हो रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन प्लान का शेड्यूल मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगा, कल वाले सेशन में। अभी ये सेशन बिल्कुल स्पेशली 19-20 स्टूडेंट्स के लिए है और 6 जैन 2020 से फास्टेक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसकी पूरी डिटेल बताना है। ये केवल जनवरी मंथ प्रिपरेशन प्लान नहीं है, अप टू मई तक क्या करना है। जैसे अब सीईटी महाराष्ट्र की डेट आ गई, जो जो एग्जाम की नोटिफिकेशन डेट आती जाएगी वो मैं आपको टाइमली बताता चलूंगा। जैसे सेकेंड वीक में आपको सीईटी महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करना है और ये ऑनलाइन एग्जाम है, तो वो सारी एग्जाम नोटिफिकेशन डिटेल में अलग से आपके साथ शेयर करूंगा। पर आप कोशिश करिएगा जितने मैक्सिमम एग्जाम दे सकते हैं दीजिए, उससे आपका एक प्रैक्टिस होता है। एक्चुअल पेपर देने आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, भले हमें जाना एनआईटीज में है पर इन एग्जाम से क्या क्या फायदे होंगे वो मैं बताऊंगा। अभी हमारा ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी अभी, क्योंकि अब लाइव क्लास भी इम्पीटस गुरुकुल में एक्टिव हो गया है तो लाइव क्लास से भी जुड़ गए हैं, तो इसमें किस ढंग से पढ़ना है। दो टाइम पे क्लास होती है यहां पर, उन दोनों क्लासेस को आपको मैनेज कैसे करना है, दोनों टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आप एंड तक बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और अकॉर्डिंग टू अपनी पढ़ाई करिए, बिल्कुल ना घबराएं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो, ये हो सकता है सुनने के बाद अभी कई सारे बच्चे ऐसे भी जो 6 जैन को ज्वाइन भी करने वाले हैं वो आ सकते हैं, नहीं आ पाए कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं। और पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट जितने भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी पेन ड्राइव लिया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जुड़ गए पर अभी भी कोई नहीं जुड़ा है, तो मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा, 6 जैन से पहले आप लाइव क्लास का रजिस्ट्रेशन इम्पीटस गुरुकुल की वेबसाइट पर जाके जरूर कर लें, जिससे कि आप लाइव क्लास का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसमें एक आप जैसे ही impetusgurukul.com पे जाएंगे तो आपको लाइव क्लास रजिस्ट्रेशन दिखेगा, वहां पे जाके अगर आपने पेन ड्राइव लिया है तो रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं, इनफैक्ट कोर्स रेगुलर क्लास भी देख रहे हैं और ये सब एक मॉड्यूल था पुराने बैच के साथ, आप क्लास देख रहे हैं। 6 जैन से जो फास्टैग कोर्स होगा उसके साथ भी अब आप रेगुलर देख पाएंगे, सुन पाएंगे, पढ़ पाएंगे। इसलिए अगर आप आ पाते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लाइव क्लास के साथ जुड़ के भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस एक ही बात है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब यहां बच्चे आते हैं तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स स्टूडेंट हैं, पेन ड्राइव स्टूडेंट हैं, लाइव क्लास स्टूडेंट हैं, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। अभी इस कोर्स के साथ साथ क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं वो सारे बताऊंगा। नया कोई स्टूडेंट भी जुड़ना चाहे तो वो तुरंत अपना रेगुलर रजिस्ट्रेशन करवाए, ऑनलाइन कोर्स या तो लाइव क्लास से, पेन ड्राइव कोर्स से जुड़ सकता है। और सभी पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट को एक बात बोलूंगा कि जो मैं आपको कोर्स शेड्यूल और मॉड्यूल बता रहा हूं जनवरी मंथ अप टू मई तक का एक आइडिया दूंगा आपको, और हर महीने में जैसे डालता हूं वैसे आपको मिलेगा भी, बट आप लोग पढ़ने का तरीका क्या रखें वो बता देता हूं, क्योंकि अभी जितने बच्चों ने पेन ड्राइव ली थी और अब लाइव क्लास से जुड़ गए हैं उनके फीडबैक के बाद मैं आपको बोल सकता हूं। और यहां पर भी बच्चे यही करते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को अगर आपने पहले से पेन ड्राइव से देख लिया और उसके बाद आपने लाइव क्लास अटेंड की तो आपको उसके रिजल्ट 4 टाइम बेटर मिलेंगे। एक और चीज होती है, लाइव क्लास में रियल टाइम होता है, जैसे क्वेश्चन दिया, जितनी देर में स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं उतनी देर में आपको भी उसी समय सॉल्व करने का मौका मिलता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फिर आया, इस तरह से। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फास्टेक कोर्स में या रेगुलर कोर्स में अब जनवरी से लेके अप्रैल तक ये जो फास्टेक कोर्स होगा ये जनवरी से स्टार्ट होगा और लगभग अप्रैल तक चलेगा। एवरीडे क्लास होंगी इसमें, मंडे टू फ्राइडे इवनिंग 4:30, और साथ में इसमें डीपीटी भी मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, जिसका डिस्कशन नेक्स्ट डे होगा। अब ये मॉर्निंग टाइम में भी हो सकता है, इवनिंग टाइम में भी। अच्छा, ये एक चीज है।
और इसके अलावा इसकी क्लासेस भी होंगी। मॉर्निंग टाइम होगा 11 o'clock, 11 to 1:30, ये वाले टाइम में, और इस वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस हैं, कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा। अब अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं और आपने कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि इज नॉट नेसेसरी कि आप लाइव क्लास अटेंड करें, पर आप पढ़ने का शेड्यूल बिल्कुल यहां के भोपाल वाले पैटर्न के हिसाब से चलें, कि बाई चांस अगर आपने कोई टॉपिक, आप रिविजन भी उसी ऑर्डर में करिए जिस ऑर्डर में मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं। उससे ये एडवांटेज होगा कि सपोज, क्योंकि आप लाइव क्लास में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए, मान लीजिए कि सपोज अभी 6 को हमने स्टार्ट किया वैक्टर, जैसे 6 जन को मॉर्निंग वाले टाइम में स्टार्ट होगा वैक्टर, आपको वैक्टर यहां पर पढ़ना है, एक एग्जाम्पल की वैक्टर आपको आता है, आप उसका रिविजन साथ में करें। बाई चांस अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप इमीडिएटली लाइव क्लास में देख सकते हैं। दूसरा, आप इनके टेस्ट पेपर दे सकते हो, टेस्ट पेपर का डिस्कशन क्लास एंड में होता है, तो आप वो एक एडवांटेज ले सकते हैं। तो पढ़ने का जो रूटीन है आपको जो फॉलो करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि जिस ऑर्डर में क्लास में रिविजन होगा, जिस ऑर्डर में क्लास में टॉपिक्स होंगे, उसी ऑर्डर में आपको पढ़ाई करनी है और उसी ऑर्डर में आपको टेस्टिंग देनी है। मान लीजिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका, देखिए मेंस में मेजर टॉपिक्स क्या क्या है, एलजेब्रा, एलजेब्रा का मतलब सेट थ्योरी, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोग्रेशन, डिटरमिनेंट, मैट्राइसेस, लॉग, बेसिक, ये टॉपिक्स हैं। अगर आपका अलजेब्रा हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। अब मान लीजिए टॉपिक्स आपके हो चुके हैं और ये फास्ट ट्रैक कोर्स में अगर रनिंग है, आप भी इसी के साथ पढ़ेंगे तो आप इनके जो टेस्ट पेपर हैं वो दे पाएंगे, तो आप पूरी क्लास देखें जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखिए टाइम हमारे पास 5 months का है, और 5 months में भी मानूंगा 4 months का है, मई वाले लास्ट मंथ में कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता, केवल टेस्ट 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 ही देने होते, तो ये 4 months जो है हमारे पास, 4 months मतलब 120 days, इसमें अगर आपके कोई टॉपिक हो चुके हैं तो आप टेस्टिंग पे वर्क करना, नहीं हुए तो पूरा पढ़ना। तो अब दो तरह के लोग हैं, क्योंकि मैं सेशन ले रहा हूं तो दोनों को दिमाग में रखते हुए ले रहा हूं, एक वो जिसने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, एक वो जो नया स्टूडेंट है, एक वो जिसने पिछले 2 महीने में 1 महीने में यहां से जुड़ा हुआ है। तो हर एक को एक चीज बताता चलूंगा कि अगर आपका टॉपिक हो चुका है तो भी आप रिविजन का तरीका क्लासरूम मॉड्यूल के हिसाब से रखें, नहीं हुआ तो साथ में पढ़ें और साथ में टेस्टिंग दें। तो पहला तो ये कंसेप्ट होगा। तो हमारे टॉपिक्स हैं एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, 2D मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, और एक मिसलिनियस मान लेते हैं कोई छूटते हैं तो। इसके अलावा हमको QA मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड, LR कंप्यूटर फंडामेंटल, ये भी कवर करना है। कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले 2 टाइम पे क्लास होंगी आपकी, एक मॉर्निंग 11, एक इवनिंग 4:30, ये 2 टाइम से क्लास होंगी। 6 जैन से लेके जैसे अभी 6 जैन से, और इसका आपको पूरा टाइम टेबल मिलेगा, मॉर्निंग 11 o'clock, इवनिंग 4:30। यहां पर एलजेब्रा के टॉपिक्स होंगे, कौन से होंगे वो आपको मॉड्यूल्स में दिख जाएगा, जैसे अभी मैं बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉग, ये सारी चीजें कवर करवाऊंगा, लॉग, बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपो, ये सारी चीजें कवर होंगी 4:30 वाले, सॉरी ये टाइम, ये 4:30 के टाइम पे होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉग, एक्सपो, ये वाला पोर्शन 4:30 पे होगा। मॉर्निंग वाले टाइम में 11 o'clock पे वैक्टर होगा, वैक्टर कंप्लीट होने के बाद, वैक्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर होगा, वैक्टर के बाद 2D होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल, इनफैक्ट आपको फुल लेंथ टेस्ट में कुछ क्वेश्चन आते भी हैं, क्योंकि यहां पर जो टॉपिक अपकमिंग होता है उनको बच्चे पढ़ना चालू कर देते हैं बेसिक, इसलिए सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन। देन ये लगभग कोशिश करेंगे कि 20-25 तक हो जाए। उसके बाद यहां पर हम लोग
प्लान ये कर रहे हैं कि 13 से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलस बड़ा है, ट्रिग्नोमेट्री करीब करीब 2 वीक से 3 वीक ले सकता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस होगा, कैलकुलस का मतलब है फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। इस वाले टाइम पे भी पूरा सिलेबस होगा। अगर आपने इन दोनों को करा तो एडवांटेज होगा कि थोड़ा पहले फ्री हो जाएंगे, अदरवाइज आप अप्रैल के एंड में फ्री होंगे। तो यहां पर पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री कवर होगा, देन उसके बाद कैलकुलस, देन कैलकुलस के बाद फिर सेम प्रोबेबिलिटी, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, 3D वेक्टर, ये सारे टॉपिक्स यहां पर चलेंगे। अब यहां पर 11 o'clock पे जनवरी में एंड तक मैथ्स पूरा हो जाएगा। मैथ्स का सिलेबस पूरा हो जाने के बाद यहां पर फेब से 2-3 क्लासेस रहेंगी QALR की, और 2 क्लासेस रहेंगी मॉक पेपर एनालिसिस की। मॉक पेपर एनालिसिस इनमें भी होगा, वो आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि हफ्ते में अभी एक पेपर होगा, तो वो एक दिन जो होगा थर्सडे फ्राइडे का मॉक पेपर का होगा, और वो आपके इस वीक से स्टार्ट भी कर रहे हैं। तो मॉक पेपर का एनालिसिस वीक में 1 क्लास में होगा फरवरी से, QALR, और 2 क्लासेस मॉक पेपर्स की होंगी, क्योंकि 2 पेपर फरवरी से चालू हो जाएंगे। इवनिंग टाइम में पूरा हायर मैथ्स को हम फोकस करते हुए चलेंगे। तो अगर आपने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया था, और जनवरी में ज्वाइन करके भी टॉप 100 में रिजल्ट लाए और NIT 3 चीज सूरत कल ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया। यानी बस एक ही चीज है कि अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, और जिन्होंने कर लिए, कई ऐसे भी है जिनकी कंप्लीट हो गई है, आपको उनसे डबल ट्रिपल मेहनत तो करनी होगी। पर अगर आप रुक गए तो आप, और आपने अभी से सोच लिया कि मैं ड्रॉप ईयर में ही करूंगा और ये 5 महीने खराब कर दिए, तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ये हो सकता है आपको कि आप नेक्स्ट ईयर 0 पे जब होंगे मई के बाद अब इस समय, तो आपका 22 चांस अगर नेक्स्ट ईयर अच्छी रैंक नहीं आई तो सेकेंड ड्रॉप तक जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि अभी नहीं करी तो भी अगले 4-5 महीने अपने आप को 100% दें, फिर रिजल्ट क्या होगा वो बात की चीज है। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई की जगह नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करें। ये 4-5 महीने बहुत ही अच्छे से आपके रेगुलर क्लासेस होंगी, हर क्लास के बाद DPT मिलेगा। लाइव क्लासेस में ये भी एडवांटेज होता है कि आपको आज DPT दिया एक, हाँ वो देखते भी है, उस DPT का एनालिसिस नेक्स्ट डे होता है, तो आपके पास सॉल्व करने का समय होता है, आप लोग नंबर भी लिख देते हो, मैं आपका उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। इनफैक्ट क्लास में भी जो बच्चे होते हैं वो भी वही क्वेश्चन पूछते हैं जो आप पूछते हैं, ये अच्छा रहता है कि वही चीजें, क्योंकि लगभग डाउट सबके कॉमन होते हैं। तो अभी भी आपके पास 4 मंथ है, 5 मंथ्स हैं, पर 4 मंथ में हमें सिलेबस पूरा करना है। एक पॉजिटिव माइंड से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे से हो सकती है। तो यहां पर मैंने एक ही चीज करी है कि 4:30 वाले टाइम पे मैथ्स रखा है पूरी तरह से यहां पर, और 11 o'clock वाले टाइम पे कुछ टॉपिक जो 4:30 पे टाइम में सबसे एंड में होंगे उन टॉपिक को मैं पहले, जैसे वेक्टर हुआ, 2D हुआ, ये कवर करके फिर यहां इस एंड पर ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, क्योंकि ये 4 बड़े चैप्टर हैं, सबसे बड़े चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो हम कोशिश करेंगे फेब एंड तक खत्म हो जाए। तो जनवरी एंड में वो आपको शेड्यूल वीकली दिखता ही है, आप देखते होंगे, अगर आप लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे तो आपके डैशबोर्ड पे पूरा वीक का प्लान आ जाता है, इसलिए वो कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। तो इसलिए आपको करना ये कि इन 2 टाइम के हिसाब से पढ़ाई करनी, और जनवरी के बाद फेब में मैंने फिर बताया, आप लोग बार बार पूछने की रीजनिंग लॉजिकल कब होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल, ये सब सारी चीजें इसमें कवर होंगी, और फेब से हम लोग ये पोर्शन को स्टार्ट कर देंगे। अब इस संडे से बैच जरूर 6 से हो रहा है, पर इस संडे से यानी 5th Jan से हम मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट सीरीज मतलब फुल लेंथ पेपर। अब आप में से कई लोगों ने पूछा कि सर आप मॉक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं चालू, अभी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जनवरी में मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का पर्पस क्या है और उसके आपको एडवांटेज क्या क्या होंगे वो बताता हूं। मॉक टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट की जाएगी तो उसमें टोटल आपके निम सेट पैटर्न पे ही पेपर मिलेगा। अब जैसे हम बात करें CET महाराष्ट्र की, तो देखिए इसमें आपको 30 क्वेश्चन मैथ्स के मिलते हैं, 30 क्वेश्चन LR के मिलते हैं, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल के, 20 इंग्लिश के, यही सेम निम सेट का मॉड्यूल है। इसलिए अगर आप निम सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली समझ लें
JNU, BHU, CET महाराष्ट्र, कैट कर्नाटका, VIT कोई भी एग्जाम हो सबकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब निम सेट के पेपर में जो मॉक पेपर होगा 5th जैन से, उसका कंसेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। 50 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, 40 होंगे LR के, 10 होंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के और 20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। कुछ समय बाद ये पेपर आप ऑनलाइन ही देंगे और उसी समय आपको रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे अब लाइव क्लास स्टार्ट हो गई वैसे अब आपकी ऑनलाइन टेस्टिंग भी होगी, क्योंकि कई सारे एग्जाम आपको ऑनलाइन देने हैं तो हम लोग आपके ऑनलाइन पेपर भी कंडक्ट करेंगे। 50 मैथ्स के क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे 12,600, 40 के होंगे LR के होंगे 6 यानी 240, कंप्यूटर फंडामेंटल के होंगे 8 यानी 80 मार्क्स और इंग्लिश के होंगे 4 यानी 80 और इस तरह से पेपर होगा 1000 का। अभी आप में से मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि सर उसमें दिया है 480 मार्क्स का पेपर होता है, 180 क्यों, वो 1000 क्यों बोलते हो? तो 1000 एक्चुअल में रैंकिंग के लिए दिया जाता है। जब रैंक अलॉट होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर 4R-W से मिलते हैं, पर कैलकुलेशन ये होती है। तो आप याद रखिएगा मैथ्स में आपका निगेटिव मार्किंग होगा -3 का, इसमें 1.5 का होता 1/4 है, इसमें 2 का और इसमें 1 का। तो अब आपको जब मॉक पेपर मिलेगा तो आपका सिलेबस हो सकता है कुछ परसेंट ही हुआ, हो सकता है मैथ्स में केवल आपने अभी 10% ही किया हो, रीजनिंग में भी 10% किया हो सकता है, कंप्यूटर फंडामेंटल में भी 10% किया हो, इंग्लिश में भी हो सकता है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो ही आप इंग्लिश की तरफ जाए, नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा इस पर फोकस ना करिए, क्योंकि 80 मार्क्स का बाकी पूरा पेपर 920 का पहले इसकी फोकस करिए, चिंता करिए। तो जब आपके पास फुल लेंथ पेपर आएगा तो फुल लेंथ पेपर से आप अपने आप को ये असेस कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक पे आपका अभी आता है, जिसको आप बोल रहे हैं आता है वो एक्चुअल में बनता है कि नहीं और कौन से टॉपिक नहीं बनते। सिलेक्शन आप क्वेश्चन सीख पाएंगे 4 महीने पहले से स्टार्ट करने पे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप उलझेंगे तो कर पाएंगे। कंप्यूटर क्योंकि आप लोग आप सभी आज की डेट में BCA BSc कहीं ना कहीं कंप्यूटर आप लोग पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको बनेंगे तो एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये एक पर्पज है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले यहां पर भी और आपको भी एक टेस्ट सीरीज फुल लेंथ चालू की जाएगी और इन पेपर का डिस्कशन भी वीक में थर्सडे या फ्राइडे की क्लास में होगा। वेनसडे थर्सडे फ्राइडे वो पहले से आपको पता रहेगा, आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा क्लास विद पेपर एनालिसिस, या हो सकता है केवल पेपर एनालिसिस हो, उसको भी दो पार्ट में होगा, मैथ्स का पार्ट और LR का पार्ट अलग अलग हो सकता है और सेम डे भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो फुल लेंथ टेस्ट पेपर का यही पर्पज है। अब ऐसे में आपको उसमें घबराना नहीं है, आपका स्कोर कम आए जनवरी एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जनवरी एंड तक आपके सिलेबस का करीब करीब मैं 25% तक सिलेबस कर दूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस एक एंड पे होगी, वेक्टर और 2D एक एंड पे होगी, तो ये मेजर टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो आपके जो जो टॉपिक कवर होते जाएं वो टेस्ट पेपर में जरूर आप अटेम्प्ट करिए, और जो नहीं हुए उनमें जितना आता है उसके बेस पे करने की कोशिश करिए, पर गेस वर्क बिल्कुल मत करिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एवरी सैटरडे जैसे यहां पर हम टेस्ट लेते हैं वैसे ही आपको वो टेस्ट भी मिलेगा, उसमें करंट वीक के टॉपिक होते हैं जिसमें टोटल 50 प्लस 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मॉर्निंग वाले बैच के का टॉपिक, 50 इवनिंग बैच के टॉपिक का और 50 LR का। इस पेपर का डिस्कशन भी आपको मिलेगा। इसके अलावा रेगुलर एवरी डे, बस किसी दिन जैसे टॉपिक स्टार्ट होगा तो उस दिन को या उसके नेक्स्ट डे को छोड़ के DPT भी होंगे, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। अब ऐसे में आपका जो क्वेश्चन था कि कौन सी गाइड सॉल्व करें, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पूरा पूरा तो आप सेल्फ स्कोर कर सकते हैं, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, पर अगर आपने अभी तक सिलेबस ही नहीं किया तो आप गाइड सॉल्व करने का टाइम कम है, और हम लोग भी आपको इतने टेस्ट देने वाले हैं कि उन टेस्ट से ही आपका अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा, तो विदाउट गाइड भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बस आप एक बेस बुक को अच्छे से कवर करते हुए चले। और क्योंकि आप लाइव क्लास से जुड़े हैं बहुत सारी बातें आपके साथ रोज शेयर होती है, मैं जो जो चीजें करूंगा वो आपको बताता चलूंगा, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ने की जरूरत है। जो जो एग्जाम्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली उसकी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो ये एक टेंटेटिव मैंने आपको आइडिया दिया कि किस ढंग से फास्टेक कोर्स को हम लोग कवर करेंगे। क्लास फास्टेक कोर्स की यहां पर भी बच्चे 2 टाइम्स क्लास कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। अब ऐसे में मुझसे अभी जैसे मैंने 2-3 बच्चों से जब बात हुई फोन पे, तो आज ही की बात है अभी कई दिनों से हो रही है, पर अभी कि सर आप 2 टाइम पे क्लास लेंगे
किस तरह से चलेगा, तो हम दो टाइम पे मैनेज नहीं कर पाए, तो मैंने उनसे बोला आप कोई बात नहीं एक टाइम पे कर ले, बट कम से कम जो, क्योंकि देखिए टाइम कम है तो ऐसे में दो टॉपिक्स को कवर करेंगे तो अच्छा होगा। तो उनको मैंने पैटर्न भी बताया कि मॉर्निंग आप 7 बजे से या 7:30 बजे से लेके 10:30 तक वो टॉपिक पढ़िए जो 11 o'clock पे स्टार्ट होने वाला है, और ये क्लास करीब करीब 1:30 तक एंड होगी, फिर लंच के बाद 15 मिनट के रेस्ट के बाद 2 o'clock से 2:30 से मान लीजिए 2:30 से 4:15 तक वो टॉपिक पढ़िए जो 4:30 पे स्टार्ट होने वाला है, 6:30 बजे क्लास एंड हो गई, उसके बाद आप इन दोनों टॉपिक की प्रैक्टिस करिए, सोने से पहले रोज DPT या सैटरडे टेस्ट या मॉक टेस्ट को सॉल्व करके ही सोना का। डीपीटी है तो मिनिमम 2 DPT, सैटरडे टेस्ट अपने आप में 150 क्वेश्चन का है, मॉक पेपर अपने आप में 120 क्वेश्चन का, ये हर दिन का एक प्रोसेस होना चाहिए। संडे का दिन केवल मंडे से सैटरडे तक जो आपको पेपर मिल रहे हैं उनके एनालिसिस पे फोकस करिए, क्योंकि उनका एनालिसिस आपने अच्छे से किया तो आपको उसके एडवांटेज मिलेंगे। अब वीक में आप इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि आपकी अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो आप थ्योरी बुक के साथ इन टेस्ट पेपर को कर लेंगे तो भी अभी सफिशिएंट होगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम में क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन की जगह क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे वर्क करिए, तो जो टेस्ट पेपर है उनमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपने सिलेबस कर लिया, क्योंकि कई सारे बच्चे ऑलरेडी दिवाली तक भी सिलेबस निपटा चुके थे, कई लोगों ने मुझे दिसंबर स्टार्टिंग में बोल दिया था सर जैसा आपने बोला, क्योंकि वो 1-1.5 साल पहले जुड़ गए थे, ये एडवांटेज होता है अर्ली ज्वाइन करने का, तो उनके सिलेबस जिनके हो गए वो भी अपनी गाइड सॉल्व कर सकते हैं, बट पढ़ने का ऑर्डर वही रखिएगा जो एकेडमी में चल रहा है। अगर आपने वो ऑर्डर को फॉलो किया तो उसी ऑर्डर के टेस्ट आपको मिलेंगे और उस टेस्ट पेपर के एनालिसिस से आपको एडवांटेज मिलेगा। तो ये एक चीज को ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। फास्टेक कोर्स में पहले हफ्ते में एलजेब्रा के टॉपिक के बाद बचे हुए एलजेब्रा के टॉपिक हम बाद में लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पे आना चाहूंगा जिससे कि टाइमली हमारे बड़े चैप्टर हो जाएं, पहले ट्रिग्नोमेट्री फिर कैलकुलस, फिर कैलकुलस के बाद 2D, फिर वेक्टर, फिर वेक्टर के बाद बेसिक ऑफ 3D, ऐसे टॉपिक्स, फिर PNC एंड प्रोबेबिलिटी। और मॉर्निंग वाले टाइम में मैंने आपको बताया वेक्टर, वेक्टर के बाद 3D का इंट्रोडक्शन, फिर एक बार बच्चों ने बोला है PNC का यहां रिवीजन करवाया जाएगा, प्रोबेबिलिटी, और ये जनवरी में एंड करके फेब से क्वांटिटी एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ टेस्ट पेपर एनालिसिस पे वर्क करेंगे। कभी कभी ऐसा हो रहा है अभी में कि क्योंकि सिलेबस को हम चाहते हैं पहले इस महीने हो जाए, तो कुछ पेपर्स का थोड़ा सा इनकम्प्लीट एनालिसिस हुआ है, पर अब वो आने वाले दिनों में वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि सिलेबस एंड हो जाएगा, तो उससे आपको ये होगा कि आप के पेपर्स के एनालिसिस पे हम टाइम दे पाएंगे। इसलिए फरवरी से 2 सेपरेट क्लास होंगी जिसमें टेस्ट पेपर्स के एनालिसिस ही हुआ करेंगे, इवन इवनिंग टाइम में जो रेगुलर प्रैक्टिस DPT मिलेंगे उनका भी 11 o'clock पे डिस्कशन होगा, तो वो जब लाइव क्लास होती है तो मैं लाइव क्लास में हमेशा नेक्स्ट 2-3 क्लास का बताता हूं, तो आपको हर चीज पता चलती जाएगी। इसलिए इस सेशन को सुनने के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, बस करना यह है कि इंपिटस गुरुकुल पे जाके जैसे ही आप जाते हैं तो आप लाइव पर जाइए, जैसे ही आप लाइव पर जाएंगे तो आपको आपके AIMCA वाले कोर्स पे जाना है, और AIMCA के कोर्स पे जाएंगे तो वहां के डैशबोर्ड पे आपको सब क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस दिखेंगी, कौन कौन से टॉपिक किस टाइम पे हो रहे हैं वो सारी, अब मैं डिटेल भी लिखा करूंगा कि इस क्लास के साथ अगर कोई पेपर डिस्कस हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो सब आपको 6 जैन के बाद बिल्कुल मिलता जाएगा। अभी भी ऑलरेडी आप लाइव क्लास देख रहे हैं क्योंकि पुराने बैच के साथ चल रही है, करी इसलिए रहा था कि कम से कम एक पूरी तरह से टेस्टिंग हो जाए, जो जो चीजें आप लोग में से बहुत लोग कंफर्टेबल भी हो गए होंगे, आपने जो फीडबैक दिए कि सर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है और पेन ड्राइव से वो टॉपिक पढ़ रखे हैं, तो लाइफ में पढ़ने में ये फायदा होता है कि हर चीज बहुत जल्दी क्लियर होती, तो ये सारे एडवांटेज आपके साथ है। हर क्वेश्चन को पेन कॉपी लेके बैठिए और जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया उतनी जितनी देर में यहां बच्चा आंसर देता है उतनी देर में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी आंसर निकालें, फिर उसका डिस्कशन होता है, आपको हर चीज समझ में आती जाती, नहीं आती तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, तो ये सब चीजों के आप एडवांटेज लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया स्टार्ट तो भी मैं कहूंगा कर दें, क्या पता कि आप बहुत अच्छा कर लें और ना केवल 2020 आपकी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से निकले,
31st को यहाँ पे एक पूरे दिन एक सेशन हुआ था, वो सेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे, पर वो एक एक बच्चे का एक एक दिन दूंगा जिससे कि आप उसको थोड़ा समय सुन के अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाए। और फोकस अपना ना हटने दें, क्योंकि अगर आपका फोकस हट गया तो ही प्रॉब्लम होगी। और ध्यान रखिएगा, लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक ही फॉर्मूला है, वो है आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड टू वर्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करिए। रिजल्ट को दिमाग से निकाल दीजिए, मैंने ये सारा बता दिया है, बाकी आपको रेगुलर क्लास में बताता रहूंगा। जो भी एग्जाम्स के अब नोटिफिकेशन आते जाएंगे वो भी आपको बहुत ही टाइमली मिलेंगे, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।